कि जिस समय अपने भारत देश को आजाद करवाने के लिए वो सुभाष चंद्र बोस देश विदेश की यात्रा करते हैं और यात्रा करते करते काबुल देश में पहुंच जाते हैं, एक बटियारी की सराय में शरण लेते हैं। उस बटियारी की सराय में ठहरते हैं सुभाष चंद्र बोस। रात का समय है, सुभाष चंद्र बोस सोए हुए हैं। बटियारी के मन में लालच आ जाता है कि क्यों ना हो इस परदेसी की सारी रकम लूट के, इसको मार के इसकी रकम लूट के पूरी जिंदगी आराम करेगी, ऐश करेगी, कई दिन छिपके खावेगी। मन में सुभाष चंद्र बोस को मारने की भावना पैदा हो जाती है और जैसे ही हाथ में चाकू लेकर बोस के पास पहुंची तो भगवान के करने ऐसे होते हैं, उसी समय सुभाष चंद्र बोस की आंख खुल जाती है और बटियारी का हाथ पकड़ लेते हैं कि बटियारी मुझे लगता है तेरी सराय में जो भी परदेसी आता है तू उसे ऐसे ही मारती है और मार के उसका दलमान लूट लेती है, खाया कमाया तो नहीं जाता। एक प्रमाण देते हैं सुभाष चंद्र बोस। एक बात के माध्यम से दादा ने पंडित जी ने बताई है कि क्या नहीं करना चाहिए, सुनेंगे रागनी के माध्यम से। ए रे तो खा दे के परदेसी ने करते एरे धोखा देके परदेसी ने डाटा ना करते, एरे घर आए मानस के सर ने डाटा ना करते, घर आए मानस के सर ने मने मार के मैनू बुझू के तू पार करेगी, दो दिन छिक के खा लेगी फिर भूखी रांड मरेगी, परदेसी की रकम लूट के तू अपना पेट भरेगी, परदेसी की रकम लूट के तू अपना पेट भरेगी। सब ते बुंडा करम बताया, सब ते बुंडा करम बताया, दया धर्म हारे का तीन जन्म तक पाप ना छुटे मानस के मारे का, कीड़े पड़ के मरिया करे जो बात करे प्यारे का, झूठ भरे जब पता लाग जा मीठे और खारे का, झूठ भरे जब पता लाग जा मीठे और खारे का, एरे अमृत जान चेहर ने पापण दरिया ए
तेरे त्रेता युग में पाल भील हुए, त्रेता युग में पाल भील हुए, डाकू चोर लुटेरे धन लोभी ने लाखों मानस मार काट के गेरे। एक दिन कहने लग्या खून बेते पाप बाट लो मेरे, जेनू बोले पाप और पुन के हम ना साथी तेरे, जेनू बोले पाप और पुन के हम ना साथी तेरे। एरे पाप और पुन ने घर के मानस, पाप और पुन ने घर के मानस भोटा ना करते, घर आए मानस सर ने भोटा ना करते, छूट जा गंगा जी में नाले, उस घर जाना चाहिए जो नर आदर मान बुला ले, नाटन का मेरा काम नहीं जाए बालक भजन गवा ले, अरे नाटन का मेरा काम नहीं जाए बालक भजन गवा ले।